एक बार एक बौद्ध सन्यासी अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक किसान अपनी गाय को रस्सी से बांधकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। किसान अपनी पूरी ताकत से उस गाय को अपनी तरफ खींच रहा था और वो गाय भी किसान को अपनी तरफ खींच रही थी। यह देखकर वो बौद्ध सन्यासी वहीं रुक गए और अपने शिष्यों को भी रुकने को कहा। किसान बहुत देर तक उस गाय को खींचता रहा, लेकिन वो गाय एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही थी। बौद्ध सन्यासी ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ किसने किसको बांध रखा है? इन दोनों में से कौन मालिक है और कौन गुलाम? शिष्यों ने कहा, ये तो साफ साफ दिख रहा है गुरुजी कि किसान ने गाय को बांध रखा है। यहाँ किसान मालिक है और गाय उसकी गुलाम, क्योंकि किसान गाय को जहाँ खींच कर ले जाना चाहेगा गाय वहीं जाएगी। यह सुन बौद्ध सन्यासी ने कहा, ध्यान से देखना, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख देने वाला हूँ। इतना कहकर बौद्ध सन्यासी ने अपनी झोली में से फल काटने वाली एक चाकू निकाली और उस किसान के पास जाकर उस रस्सी को काट दिया जिस रस्सी से किसान ने गाय को बांध रखा था। रस्सी कटते ही गाय बड़ी तेजी के साथ वहां से भाग निकली और वो किसान बौद्ध सन्यासी के ऊपर चिल्लाता हुआ उस गाय के पीछे भागने लगा। बौद्ध सन्यासी ने भागते हुए किसान की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब बताओ कौन मालिक है और कौन गुलाम? गाय को इस किसान में जरा भी रुचि नहीं है। यहाँ तक कि गाय तो हमेशा से ही इस किसान से दूर भागना चाहती है, लेकिन ये किसान ही है जो इस गाय से बंधा हुआ है। तभी तो इस गाय के भागते ही ये किसान उसके पीछे भागने लगा। बौद्ध सन्यासी ने आगे कहा, ठीक इस गाय की तरह हमारे मन में भरी गंदगी को भी हमें कोई रुचि नहीं है, बल्कि हम ही हैं जो इस मानसिक कचरे के साथ खुद को बांध के रखते हैं, खुद को जोड़े हुए रखते हैं। जिस पल से हमने इस मानसिक कचरे पर अपनी रुचि दिखानी बंद कर दी, उसी पल से ये सारे बुरे विचार हमारे मन से गायब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक इसी गाय की तरह मन के सारे बुरे विचार हमसे दूर भागेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उस किसान के जैसी हालत हमारे मन की भी है। हम खुद को बहुत सी चीज़ों का मालिक समझते हैं, लेकिन असल में हम मालिक नहीं बल्कि गुलाम हैं। मालिक तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि हम उनके बिना नहीं रह सकते। ठीक उस गाय की तरह हमारे मन में भरी गंदगी, जैसे नफरत, गुस्सा, जलन, डर इत्यादि की हमें कोई रुचि नहीं है, लेकिन हमारी इन सब में रुचि है। हमने ही इन्हें सालों से अपने अंदर पाल रखा है, इन्हें पकड़ के रखा है। हम ही हैं जो इन चीज़ों से खुद को दूर नहीं करना चाहते, इनकी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते, क्योंकि पकड़ ढीली होते ही ये हमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, जो हमें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जाने अनजाने में हमने इन सब मानसिक विकृतियों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है। अब हमें इनके साथ ही आनंद आता है। अगर हम इन्हें छोड़ना भी चाहते हैं तो हमारा मन हमें बार बार इन सब में उलझा देता है, लेकिन अगर एक बार पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमने अपने मन में भरे कचरे से दूरी बनानी शुरू कर दी, तब हम इन विचारों की व्यर्थता को महसूस कर पाएंगे और फिर ये सारा मानसिक कचरा किसान की उस गाय की तरह हमसे दूर भागना चाहेगा और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखो, खुश और शांत रहना एक चुनाव है, तो क्यों ना हम इसे ही चुने और अपने इस छोटे से जीवन को पूरी खुशी और शांति के साथ जिए। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमारे विचार ही हमारे जीवन की रूपरेखा तय करते हैं। हम सब कभी ना कभी हालातों से परेशान होकर अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि बुरी किस्मत की वजह से ही हम डिप्रेशन में हैं और इसी के चलते हमारे कामकाज, रिश्ते नाते सब नाकामयाब हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी हर परेशानी का कारण हमारे खुद के विचार हैं, तो आप कहेंगे कि मैंने तो अपने लिए कभी ऐसा कुछ नहीं चाहा, फिर ऐसा क्यों? इस खुश हैं या दुखी, सफल हैं या असफल, खुद से एक बार पूछिए कि इसका कारण क्या है। अगर आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि इन सब का कारण हम खुद हैं। यहाँ खुद से मतलब है हमारे विचार। हमने जैसा भी बीज अपने अंदर बोया था, सही समय आने पर वो बीज अवश्य अंकुरित होता है। फिर चाहे ये बीज 1 महीने पहले बोया गया हो, 1 साल पहले या फिर 10 साल पहले, ये अपना असर अवश्य दिखाएगा। अगर ये विचार का बीज अच्छा था तो परिणाम भी अच्छे ही होंगे। अगर गलत विचार का बीज बोया गया था तो आज हम उसके परिणाम भी गलत ही फेस कर रहे होंगे। अब सवाल उठता है कि जो बुरे विचार के बीज पहले बोए जा चुके हैं, क्या उनके प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। उनके प्रभाव को सिर्फ कम किया जा सकता है और ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि आज से मन रूपी इस जमीन पर केवल अच्छे और सफल परिणाम देने वाले विचारों के बीजों को ही बोया जाए, ताकि आने वाले समय में हम सही परिणामों की फसल काट सकें।
अब सवाल ये भी उठता है कि हमारे दुखों, असफलता और नकारात्मक विचारों का मूल कारण क्या है। तो इसका जवाब है अपने विचारों के प्रति सजग न होना, खुद का आत्मविश्लेषण न करना। हमारे दिमाग में हर रोज लगभग 20,000 विचार आते हैं और इसमें से ही कुछ विचार नकारात्मक होते हैं जो हमारे आत्मविश्वास को कम कर हमारे अंदर हीनता पैदा करते हैं और फिर आज नहीं तो कल ये हीन भावना हमें असफलता का रास्ता दिखाती है। अगर हम थोड़ा सा सजग होकर इस बात पर ध्यान दें कि आखिर हम किस तरह की बातें पूरे दिन सोचते रहते हैं, तो हम ज़्यादा आसानी से नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को मन में जगह दे सकते हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होने वाला, इसमें समय लगेगा, पर महीने दो महीने तक अभ्यास करने के बाद इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आज हमने बगीचे रूपी मन पर सही विचार का पौधा लगाया है और इसे समय समय पर खाद और पानी दिया है, यहाँ खाद और पानी से मतलब है समय समय पर खुद के मन को साफ करते रहना, तो आने वाले समय में हमें सफलता, शांति और खुशी के फल चखने को मिलेंगे। इसलिए हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग रहें, मन में सकारात्मक विचारों को ही जगह दें और समय समय पर खुद का आत्मविश्लेषण करते रहें। आपके जीवन में सफलता और खुशी अपने आप आ जाएगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।